सो हेलो एवरीवन, आज हम लेके आए 4.35। बहुत अमेजिंग कलर होने वाला है जिसमें आपको कलर देखने को मिलेगा महोगनी गोल्डन ब्राउन। तो आपको इसमें सब बताएंगे कि कितना आपका डेवलपर की मिक्सिंग रेशियो करनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहले देखते हैं क्लाइंट के हेयर। तो क्लाइंट के हेयर देख सकते हैं आप, नीचे से कलर्ड हेयर हैं, बहुत क्या कहें फिजी हैं, ड्राइनेस है हेयर के अंदर। तो इसमें हम लोग ग्लोबल कलर करेंगे और प्लस केराटीन भी साथ करेंगे। तो बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, लास्ट तक बने रहें। तो देख सकते हैं इनके जो हेयर हैं नीचे से बहुत ही कलर्ड हेयर हैं, फिजी हैं बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हम लोग लाइट कलर नहीं लेंगे, डार्क कलर ही लेंगे। तो डार्क कलर हमेशा याद रखो, जब कलर आपको नीचे जाना हो, डार्क शेड में जाना हो, तो कलर करते हैं हम लोग डिपॉजिट। अगर हमको कलर अगर लाइट लेके जाना हो तो फिर हम लोग लेके जाना पड़ता है हमको प्री लाइटनर, ब्लॉन्डर जिसको बोल देते हैं हम लोग। तो हम लोग फिर उसको लेते हैं ताकि लाइट हो जाए हमारे हेयर, उसके बाद हम लोग करते हैं डिपॉजिट। अब हमारे क्लाइंट के हेयर लाइट हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डार्क करेंगे। तो देख सकते हैं हमने 4.35 हमने ट्यूब निकाल ली है और इसमें हल्का सा 5 नंबर का हमने लाइट ब्राउन बेस मिक्स कर दिया है, ताकि जिनके लाइट हेयर हैं इनके और ये भी कवर हो जाए, और इसकी जो डेवलपर की जो मिक्सिंग रेशियो है 1:1.5। तो हमारा जो क्लाइंट के हेयर हैं उनको चाहिए शॉर्ट बॉब कट, चाहिए उनको शॉर्ट शोल्डर वाला बॉब कट। तो हम लोग पहले कट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग कलर डिपॉजिट करेंगे। तो कट पहले बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन हेयर को आपको कट करना है उन हेयर पर आपको कलर लगाने से क्या फ़ायदा, प्रोडक्ट ही वेस्ट होगा आपका। तो इसलिए आपको जितने बाल आप क्लाइंट को चाहिए उतने बाल आप काट सकते हैं, ताकि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा ना लगे। और स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। जितने भी इनके एंड्स के हेयर हैं, हम लोग जितने इनको मैम को कट चाहिए, पहली हमारी बात हो चुकी है कि कितना कट करना है मैम का, उसके बाद करने के बाद फिर हम लोग करेंगे एप्लीकेशन कलर की। कलर एप्लीकेशन बताया मैंने आपको, अगर आपको लाइट शेड में जाना है तो आपको प्री लाइटनर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको कलर डार्क करना है, डिपॉजिट करना है, यानी कि और नीचे जाना है आपको कलर, जैसे कि मान लो अगर आपका क्लाइंट का शेड है 6 का नंबर का और क्लाइंट को 4 नंबर पर जाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, डिपॉजिट करेंगे, ठीक है राइट। तो हेयर कट इनको जस्ट शोल्डर लेंथ चाहिए थी, शॉर्ट में चाहिए था इनको। उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन करेंगे कलर की। तो कलर की जो एप्लीकेशन करेंगे हम लोग स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ अगर आपने किसी ने लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर लें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर। तो देख सकते हैं हमने मैम का हेयर कट कर दिया है, और अगर एंड से पूरा कट निकाल दिया, अगर लास्ट में हमको लगेगा हल्का फुल्का और कट करने की ज़रूरत होगी तो हम लोग केराटीन या और उसका कलर करने के बाद हम लोग कट कर देंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने 4 सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं, बहुत ज़रूरी होता है कलर करने या स्मूथनिंग करो या केराटीन, तो सेक्शन बहुत ज़रूरी है। और जितना सेक्शन फाइन होगा आपका उतना अच्छा कलर या केराटीन या केमिकल कुछ भी वर्क करोगे आप हेयर के अंदर पेनिट्रेट होगा। तो हम देख सकते हो आप लोग बहुत हल्का हल्का सेक्शन ले रही है हम लोग, और जितना भी हमारा कलर है अच्छे से पेनिट्रेट कर रहे हैं और अच्छे से एप्लीकेशन कर रहे हैं। जितना अच्छा एप्लीकेशन होगा उतना अच्छा ही रिजल्ट आएगा हेयर के अंदर। तो हमने जितना भी हम लोग बताया आपको प्रोडक्ट जो लिया हमने 4.35 प्लस इसमें जो मिक्स करा हमने बेस 5 नंबर का, बिकॉज़ इनके लाइट हेयर थे बहुत ज़्यादा, कहीं से कॉपर टोन आ रखी थी, कहीं पर रेडिश टोन, कहीं गोल्डन, बहुत ज़्यादा नीवन कलर हो रखा था। तो इसलिए सारा सेटल कलर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग करेंगे केराटीन। तो अब केराटीन हमने क्यों ऐड करा, केराटीन इसलिए ऐड करा इनके जो हेयर है बीच में से बहुत ब्रेकेज हो रहे थे, क्लाइंट के हेयर बहुत ब्रेकेज हो रहे थे। तो केराटीन क्या करता है, हेयर को रिपेयर करता है, और जो हमारा जो बीच में से ब्रेकेज हो रहे थे ना हेयर, उसको रोक देगा वो, यानी कि इलास्टिसिटी दे देगा, मॉइस्चर दे देगा। तो हम लोग पहले कलर करें, अगर कलर आप केराटीन दोनों साथ करते हैं तो हमेशा याद रखें आप कि पहले कलर ही करें, क्योंकि केराटीन करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते हेयर के अंदर। जैसे ही आप करोगे या कलर करोगे या कुछ भी करोगे तो केराटीन जो आपकी है वो हेयर में से निकल जाएगी। तो इसलिए आप याद रखें, अगर आप केराटीन और आप कलर करते हैं या स्मूथनिंग या केराटीन करते हैं, तो आप पहले स्मूथनिंग लें फिर उसके बाद केराटीन करें। अगर आप कलर और केराटीन करते हैं तो आप पहले कलर लें उसके बाद फिर केराटीन करें। तो पूरे सेक्शन हम लोग अच्छे से जाके एप्लीकेशन कर देंगे, और एप्लीकेशन करने के बाद फिर इसको हम रखेंगे 30 मिनट्स रखने के बाद फिर हम लोग वॉश कर देंगे।
ठीक है, तो आप वीडियो वॉच करें। तो 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारे हेयर को, अब हम लोग करेंगे हेयर वॉश। हेयर वॉश याद रखें, जितना भी हमारा जो ये कलर है सबको एप्लीकेशन मल्सिफाई करते करते हम लोग वॉश करेंगे, ताकि कभी कभी क्या होता है ना, आप फैशन शेड यूज करते हैं तो आपके स्केल में कलर आ जाता है बहुत ज़्यादा, तो एप्लीकेशन करते करते आप कलर निकालोगे तो जितना भी आपके स्केल में कलर होगा सारा निकल जाएगा, तो इसलिए एप्लीकेशन करते करते ही आप कलर वॉश करें, उससे क्या होगा जो आपके स्केल में कलर होगा वो भी निकल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं मैम के केराटिन, तो केराटिन कौन सी लेंगे, केराफ्यूज़न की डिफेबुलस की। केराटिन बहुत अच्छी है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा है इसका, ऑसम रिज़ल्ट है और मॉइस्चर 100% देता है। और मैम के पतले हेयर हैं तो इनको ज़्यादा स्टेट की इशू तो है ही नहीं, क्योंकि पतले हेयर में बहुत लोग रहता बाउंस हेयर, बाउंस आने का, तो इसलिए बहुत लोग क्या करते हैं पतले हेयर में स्मूथनिंग कर देते हैं, जो ऑलरेडी उनका बाउंस होता है वो भी लाइट हो जाता है, तो इसलिए आप याद रखें पतले हेयर में ज़्यादातर हो सके जितना केराटिन ही बताएं इन लोगों को। तो केराटिन हम लोग एप्लीकेशन करेंगे वही पतले पतले हेयर में, और जो इसकी एप्लीकेशन होती है वो ड्रॉप की तरह होती है, डेप टेप करके लगानी पड़ती है, और जितना गीले बालों मतलब गीले बाल 50% गीले हेयर होने चाहिए, 50% ड्राई, ड्राई मतलब हेयर ड्राई नहीं टॉवल ड्राई करना, तो 50% आपका वेट हेयर होना चाहिए, 50% आपके ड्राई हेयर। तो और पतले पतले सेक्शन लेके हम लोग एप्लीकेशन करेंगे जैसे देख रहे हैं आप, और ऐसे ही एप्लीकेशन करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग करेंगे ड्रायर, ड्रायर करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग केराटिन जो यूज कर रहे हैं सिर्फ लेंथ पे यूज कर रहे हैं, नॉट ए स्केल, तो स्केल पे केराटिन या केमिकल वर्क कोई भी यूज़ नहीं करें आप, स्केल से 1 इंच छोड़ के यूज करें। आप देख सकते हैं हम लोग कैसे केराटिन एप्लीकेशन कर रहे हैं, स्केल से 1 इंच छोड़ के कर रहे हैं हम लोग, और सेक्शन जो निकालें पतले पतले सेक्शन और फाइन सेक्शन निकालें, उसके बाद हम लोग इस पर करेंगे ड्रायर, जिसके जो टाइमिंग होगा इसका टाइमिंग होगा 30 से 35 मिनट ले सकते हैं आप लोग, 30 से 35 मिनट। उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें कूल ड्रायर, कूल ड्रायर का जो टाइम होगा वो 10 मिनट का होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे मीडियम ड्रायर, हीट मीडियम लेंगे, उसका भी टाइमिंग 10 मिनट होगा, और जो प्रॉपर ड्राई करेंगे हम लोग वो भी 10 मिनट के नहीं करेंगे, तो प्रॉपर हम लोग ब्लो ड्रायर कर देंगे, फिर ड्रायर से स्ट्रेट कर देंगे, उसके बाद हम लोग लेंगे आयनिंग। तो आयनिंग जो हम लोग यूज करेंगे, आयनिंग का टेम्परेचर हेयर के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि कितना हेयर, अगर मीडियम हेयर है तो आप आराम से या क्या 190-200 तक रख सकते हैं, पतला हेयर है 180-190 तक ले सकते हैं, और आप हैवी हेयर है थिक हेयर है तो आप ले सकते हैं 230 ले सकते हैं इनका। बहुत लोग क्या करते हैं आइनिंग करते समय ना केराटिन का, तो इतने फाइन और सेक्शन लेके और इतना नीट करके आइनिंग करते हैं ताकि जो आपका केराटिन कर रहे हैं वो स्ट्रेट हो जाए, उससे क्या होता है जो प्रोडक्ट भी होता है हमारा वो सारा निकल जाता है, तो हेयर के अंदर हमें कुछ प्रोडक्ट छोड़ना है ताकि वो अपना रिजल्ट वर्क करे, तो सारा प्रोडक्ट भी नहीं निकालना और प्रोडक्ट का बहुत ध्यान रखना है। बहुत लोग क्या करते हैं कि आइनिंग बहुत नीट करके लगा देते हैं या ड्रायर नीट करके लगा देते हैं, सारा प्रोडक्ट ही निकाल देते हैं उस टाइम पे, तो प्रोडक्ट हमको कुछ रखना है हेयर के अंदर, इतना नहीं निकालना, लेकिन निकालना है लेकिन इतना नहीं निकालना है। तो ड्रायर करने के बाद, और एक बात और याद रखें आप,
कभी भी आइनिंग करें या स्मूथनिंग की या केराटिन की, जैसे भी आइनिंग करते हैं, आपको 3 सेकंड से भी कहीं भी ब्रेक नहीं देना। मतलब कि आइनिंग हेयर के अंदर अगर आप 3 सेकंड के लिए भी रोक दोगे ना, तो वहीं से वेव आ जाएगा अगर आप स्मूथनिंग करोगे तो। इसलिए याद रखो, आइनिंग करते समय कहीं भी बैंड नहीं आना चाहिए, कहीं भी रोकना नहीं चाहिए, हेयर के अंदर कहीं भी रोकना नहीं चाहिए। अगर रोक दोगे तो वहीं से बैंड आ जाएगा, और बैंड भी आ जाएगा प्लस हेयर भी डैमेज हो जाएंगे। तो आइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, करना चाहिए उसको। तो आप वीडियो वॉच करें,